सचि गर्भे वैसे सर्व भुवन एरा वास, सारे भुवन के जो आश्रय हैं वो सचि के माता के गर्भ में बैठे हुए हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा से हरिला प्रकाश, ये आज कौन सी पूर्णिमा है? फाल्गुनी पूर्णिमा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अनंत ब्रह्मांडे यथा छे सुमंगल, चैत पूर्णिमा आसी मिली न सकल। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के शुभ संकेत हैं वो सब के सब एक साथ आकर के प्रकट हो गए इस गौर पूर्णिमा के दिन। तो अरे भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान को ये तय करके, जैसे हमारा हॉरोस्कोप बनता है तो देखते हैं डेट एंड टाइम प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसके हिसाब से देखते हैं उस समय कौन कौन से ऑस्पिशियस नक्षत्र थे, तो उसके हिसाब से गणना होती है। भगवान के केस में उल्टा है, भगवान जब डिसाइड करते आते हैं तो उस वक्त सारे ऑस्पिशियस जितने भी शुभ नक्षत्र होते हैं अपने आप आ जाते हैं। केवल इस ब्रह्मांड के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी नक्षत्र हैं दौड़ दौड़ के आते हैं, भगवान का सेवा करना है। इस प्रकार से वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी भगवान के नाम का जप करने का शुभ मुहूर्त बताइए, कब हम माला खरीदते जप करना प्रारंभ करें। कोई बोलता है कि हम भगवान का ऑल्टर कब स्थापित करें, तो कोई बोलता है कि मंदिर हमको कब आना प्रारंभ करना चाहिए, एकादशी हमको कब उठाना चाहिए। मैंने सुना हुआ उठाना बैठाना एकादशी से करते हैं। तो उसका सिंपल आंसर है, जिस समय आपके मन में विचार आ गया उसी समय आप संकल्प ले लीजिए नाम जप करने का, वही सबसे शुभ मुहूर्त है। क्योंकि भगवान का नाम आप ले रहे हैं, भगवान साक्षात नाम के रूप में आ रहे हैं, तो अगर वो इनऑस्पिशियस भी होगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्पिशियस हो जाएगा भगवान के आने से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के समय ये होता है। एक और अद्भुत घटना भी सुनिए। संकीर्तन सहित प्रभु अवतार, ग्रह निर छले ताहा कर प्रचार। आप लोग समझ पा रहे हैं कुछ बंगाली बहुत सुंदर है। तो संकीर्तन के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना था क्योंकि वही उनका मेन मिशन था। तो वो ग्रहण के छल में, ग्रहण के बहाने इसका प्रचार किया महाप्रभु। कैसे किया अभी बताएंगे। ईश्वरेण कर्म बुझी बार शक्ति काय, चंद्रे आच्छादी ला राहु ईश्वर इच्छाए। भगवान की जो शक्ति है उसके कार्यकलापों को कौन समझ सकता है? हु हैज द पावर टू अंडरस्टैंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, बाय हिज डिजायर राहु कवर्ड द मून। उनकी इच्छा से राहु आया पूर्णिमा के दिन और चंद्रमा को कवर कर लिया। सर्व नवद्वीप देखे हरिला ग्रहण, उठिला मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन। क्योंकि ग्रहण के समय पे सब सोचते हैं अमंगल है अमंगल है, चलो भगवान मंगलम भगवान है विष्णु, भगवान विष्णु का आश्रय लो, हरि का नाम लो। तो जितने भी नवद्वीप में हिंदू लोग हैं तो सब घर घर से निकल के गंगा नदी में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हरी 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 बोलते जा रहे हैं, हरी हरी हरे कृष्ण महामंत्र, कहो कहे हरे कृष्ण, कहो कहे हरे राम, कोई हरि बोलता है कोई नारायण बोलता है, ऐसे अलग अलग नाम ले रहे हैं। इतने सारे हिंदुओं के द्वारा नाम सुन सुन के मुस्लिम लोग पागल हो गए, बोले ये क्या है, ये लोग जो है कुछ तमाशा बना के रखे हैं, हरी हरी बोलते रहते हैं, कोई कृष्णा राम बोलता है कोई नारायण बोलता है, हरे कृष्णा इनके पास कोई काम धंधा नहीं। तो जो मुस्लिम लोग थे उनकी भी चेतना में हरिनाम आ, वो भी हरिनाम ले रहे हैं इनडायरेक्ट, कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से, नामाभास रूप में भी नाम ले रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अरेंजमेंट किए कि राहु के द्वारा वो कर दिए। और अब सुनिए बड़ा अद्भुत चीज है ये हम समझ नहीं सकते, कॉन्सीव नहीं कर सकते हैं, बस इसको सुनना है श्रद्धा पूर्वक, ठीक है। अनंत अर्बुद लोक गंगा स्नाने आए, हरि बोला बोली सबे धाय। बोल रहे हैं अनंत अर्बुदा, अर्बुदा मतलब करोड़, कितने करोड़, अनंत करोड़, अनंत करोड़ लोग आ गए गंगा में स्नान करने के लिए पूरे नवद्वीप में, और सबके सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं। आप बोलेंगे अनंत करोड़ लोग कहाँ है, सारे देवी देवता लोग भी आ गए, जितने भी जीव जंतु सब आ गए। और वैसे भी अगर लॉजिकली देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं तो उनके तो सब पूरा ब्रह्मांड ही उनके गर्भ में है, तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड ही आ गया, तो अनंत कोटि जीव आ गए। लेकिन इसके लिए श्रद्धा चाहिए। तो हे न हरि ध्वनि हैलो सर्व नदिया, ब्रह्मांड पूरी यह ध्वनि स्थान नहीं पाए। बोल रहे हैं इस प्रकार से पूरे नदिया में भगवान हरि का नाम इतना फैल गया कि उस ध्वनि के कारण पूरे ब्रह्मांड में हरि नाम का वाइब्रेशन पहुंच गया। और इतना ही नहीं, हो ध्वनि इतनी
प्रचुर मात्रा में थी कि ब्रह्मांड को भेद के आगे भी निकल गई। ब्रह्मांड मतलब केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के ऊपर त्रिभुवन कंप्लीट करके पूरा ब्रह्मांड में हरि ध्वनि हो गई। भगवान साक्षात आ रहे हैं, कोई साधारण बात थोड़ी ना होगी। पूरे ब्रह्मांड को भर दिया और ब्रह्मांड के बाहर भी चले गए हरि ध्वनि, यानी इतने असंख्य लोग आके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। अपूर्व सुनिय सब भागवत गण, सबे बोले निरंतर हाउ कग्रा। इस प्रकार से इतना वंडरफुल सिचुएशन देख करके जो भागवत लोग थे, यानी वैष्णव थे, वो बड़े प्रसन्नचित हो गए। अरे वाह! अब वो प्रार्थना करने लगे कि काश निरंतर ग्रहण लगा रहे, हमेशा ग्रहण लगा रहा है। जैसे भक्त लोग, जैसे बाकी लोग तो कोरोना से डर के बोलते हैं कोरोना कब जाएगा कब जाएगा, भक्त लोग बोलते हैं कोरोना कभी ना जाए, बार बार आए। क्योंकि कोरोना आने से भक्तों का भी साधना बढ़ गया। जो लोग 4 माला 8 माला 10 माला करते थे, डायरेक्ट 16 माला 25 माला 32 माला कर रहे हैं, घंटों घंटों भागवत पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और जो बाहर वाले हैं वो लोग भी इतने डरे हुए थे, सबके सब तुरंत, हाँ उनको प्रचार करना है, हमको आप प्रीचिंग करिए, सब जुड़ गए। हजारों की संख्या में लोग जो है इंस्पायर हो गए भक्ति के लिए। तो जो भक्त होते हैं, ऐसे जो इनऑस्पिशियस सिचुएशन भी आती है, जो भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए फेवरेबल होता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि निरंतर यही बना रहे। वैसे यहाँ पे भागवत लोग बोल रहे हैं कि निरंतर हाउ का ग्रहण, कि हमेशा ग्रहण बना रहे। सबे बोले आजी पड़ा वासी है उल्लास, हे ना बुझी कि वह कृष्ण कर ला प्रकाश। तो जो भक्त लोग थे वो सोचने लग गए, इतना उनको हैप्पीनेस आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो वो सोच रहे हैं कि जरूर कृष्ण आज प्रकट हो गए। उनको मालूम नहीं है सच्ची गर्भ से चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण है, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा है। और वहां पे शांतिपुर में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो शांतिपुर में अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर, वही ये दो ही पर्सनैलिटी हैं, महान व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर, जिनके हुंकार से, जिनके कीर्तन से, नाम जप से, जिनके प्रार्थना से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। अद्वैताचार्य जो है शालिग्राम का तुलसी जल से सेवा किए और हुंकार करते थे जोर जोर से, और हरिदास ठाकुर गांव के दूर गुफा में बैठ के 3 लाख नाम जप करते थे। और हृदय में क्या भावना रहती थी, हृदय में पीड़ित हृदय था। हरिदास ठाकुर देखते थे कि लोगों को भगवान कृष्ण भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये तथाकथित जो धार्मिक लोग भी हैं, ब्राह्मण लोग भी हैं, वो भी केवल कर्मकांड करने में लगे हुए कि कैसे हम ये पूजा व्रत मंत्र जप कर करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर ले। प्रचार करते थे लेकिन कुछ मिलता नहीं था, तो बड़े वो दुखी थे। और उस दुख में भगवान को प्रार्थना करते थे कि आप आइए प्रभु कुछ करिए, और हरिनाम जप करते थे। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु जब जिस दिन प्रकट हुए जिस समय, तो उस समय अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर शांतिपुर में थे, जो कि लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है मायापुर से। लेकिन उसी क्षण उनके हृदय में इतना अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ कि दोनों खड़े होकर दोनों नृत्य करने लगे, हरिनाम कीर्तन करने लगे, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करके डांस कर रहे हैं। और दोनों को ये आभास हो गया कि हमारे प्रभु प्रकट हो चुके। ये होता है भक्त आगे आएगा श्लोक में, चैतन्य चरितमृत में आता है कि कृष्ण लुकाई थे, अपना प्रयास करते, अपने आप को छुपाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं भक्त के सामने छुपा नहीं पाते भगवान। और वही दूसरी ओर अब भक्तों के सामने कितना भी प्रकट करें, दुर्योधन के सामने अपना विराट रूप भी दिखा दिए, वो समझ नहीं पाते, वो लोग जान नहीं पाते कि भगवान है। और भक्त के सामने अपने आप को छुपाते हैं, नहीं भक्त के सामने छुप नहीं पाते, जो जितना उच्च कोटि का भक्त है उसके सामने वैसे प्रकट हो जाते हैं। भगवान रामानंद राय के सामने जाकर के तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बचाना छुपाना चाह रहे थे, लेकिन ना चाहते हुए रामानंद का इतना शुद्ध प्रेम हृदय में प्रकट हुआ, चैतन्य महाप्रभु अपने आप ही राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। रामानंद राय देख रहे हैं, देख लिया प्रभु आप राधा कृष्ण हो, आप मत छुपाओ। इस प्रकार से भक्त लोग जान जाते हैं। तो यहाँ पे नवदीप में भी जो भक्त थे, शुद्ध भक्त भी थे कुछ, श्रीवास ठाकुर और उनके जितने भी टीम थी, तो वो लोग ये निश्चय कर लिए कि जरूर भगवान प्रकट हो गए हैं, तभी ऐसा अद्भुत प्रभाव होगा। जब स्वयं भगवान आते हैं या भगवान का कोई शुद्ध भक्त होता है, तो उसके उपस्थिति में उस क्षेत्र में दिव्य कृष्ण चेतना विकसित हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी के आने से पूरे विश्व में दिव्य कृष्ण भावना चेतना उत्पन्न हो गई, वैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो हरि ध्वनि। गंगा स्नाने चली ला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर देखे हरि संकीर्तन, कि बसि सुवृद्ध नारी सज्जन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखी अग्रहण। समझ पा रहे हैं ना कुछ कुछ?
ऐसे क्योंकि फास्ट कर समय कभी देख ध्यान रखना, हर श्लोक को नहीं समझाऊंगा, मतलब तीन चार श्लोक का पूरा समझाते हैं। हरि बोला सबे सुनी, सकल ब्रह्मांड व्यापे का हरि ध्वनि। ऑलरेडी मैंने समझाया कि चाहे वृद्ध हो, नारी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सब जो है निकल रहे हैं चारों तरफ से, उनको केवल हरि ध्वनि सुनाई दे रही। अब आप सोचिए, अगर आप बाहर निकले, कोई व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, वो बाहर निकला, चारों तरफ से केवल हरि ध्वनि सुनाई दे रही है, तो स्वाभाविक है उसको भी बोलना ही पड़ेगा। जैसे अभी राम मंदिर स्थापना हुआ, जिधर जाओ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम चल रहा है, तो स्वाभाविक है जो नहीं भी बोलने के लिए कस्टम है, नहीं बोलते हैं, वो भी बोलेंगे जय श्री राम, तो उसे भी निकल जाएगा। तो आप बस अंदाजा लगा सकते हैं, तो कलयुग है हा? तो राम मंदिर की स्थापना में अगर ऐसी अवस्था पूरे भारत में हो गई, तो जब श्री स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, वो भी उनका मिशन ही था कि हरिनाम संकीर्तन को फैलाना है, तो क्या स्थिति होगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मांडे व्यापी लेकर, पूरे ब्रह्मांड में हरि ध्वनि व्याप्त हो गई। चतुर्दी के पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय सत्य दुंदु भी बजाए अनुक्षण। तो चारों तरफ से देवी देवता लोग घेर लिए और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दुंदु भी बजा रहे हैं। एनाई समय सर्व जगत जीवन, अवतीर्ण हई लेना श्री सचिनंदन, जय श्री सचिनंदन। तो उसी समय पे ये अवस्था बन चुकी थी, और ये अवस्था जब बन गई, तो श्री चैतन्य महाप्रभु से आप नाउ इज द टाइम टू अपियर, तो उसमें प्रकट हो गए। राहु केवल इंदु प्रकाश नाम सिंधु, कलि मर्दन बाजे बाणा, बहु भेला प्रकाश भुवन चतुर्दश, जय जय पाटिल भूषण। तब ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे राहु के द्वारा चंद्रमा चंद्र ग्रहण लग गया है, और वहीं पे हरिनाम का समुद्र प्रकट हो गया है, और कली जो है इस प्रकार से पूरी तरह वहां पे पराजित हो चुका है, और फ्लैग ऑफ विक्ट्री जय पताका जो है निकल चुकी है भक्तों की। और उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, और पूरे 14 लोकों में जय जय की ध्वनि सुनाई दे रही। देखी ते गौरांग चंद्रन तियार लोका, शोक सब नाश नंदा, धीरे धीरे बाडाला आनंदा। तो गौरांग चंद्र प्रकट हो गए नदिया में, नदिया नगर में, और सब शोक जो है नष्ट हो गया, और दिन दिन जो है केवल आनंद ही आनंद बढ़ता जा रहा है। धुंधु भी बाजे सत शंखा गाजे, बाजे बीनु भी शाना, श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास गान। तो हर जगह धुंधु बज रही है और शंख बज रहे हैं, वेणु विषाण श्री चैतन्य ठाकुर प्रकट हो गए हैं, नित्यानंद प्रभु इन दिस वे वृंदावन ठाकुर सिंग द ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से इसके पूर्व वृंदावन ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु कैसे प्रकट हुए थे एकछत्र धाम में, वो वर्णन कर चुके हैं, हम लोग उसको स्किप कर देंगे। तो नित्यानंद प्रभु भी जब प्रकट हुए थे एक चक्र धाम में, तो वहां पे ऐसा वर्णन है, वो रार देश है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। रार देश मतलब जहाँ पे गंगा नहीं बहती है, तो गंगा नहीं बहती मतलब हर जगह क्या है, सूखा है हर जगह, तो इनऑस्पिशियस एक तरह से। लेकिन वहां पे जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, तो अद्भुत चीज हो गई, उनके प्रकट होते ही वहां पे हरियाली आ गई, चारों तरफ लोगों का मन संतुष्ट हो गया, सुख को प्राप्त करने लग गए। तो ये इफेक्ट है, जब स्वयं भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो उसका एक स्वाभाविक लक्षण है कि जितने भी साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनका हृदय में संतुष्टि और सुख की अनुभूति हुई, और जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। तो ये प्रभाव होता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के भक्ति के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान को इन्वाइट करेंगे अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में, तो निश्चित रूप में आपके जीवन में सुख और संतुष्टि समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, और जितने भी ये भक्ति तत्व विरोधी लोग हैं, वो सब डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो जितने भी साधु लोग थे, सब के सब प्रभुपाद जी से आकर्षित होकर के महान भक्त बन गए, और जितने भी विपरीत बुद्धि वाले थे, सब डर डर के भाग गए, सबको डर लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी, पूरा अमेरिका में लगता है अपना गवर्नमेंट ही खड़ा कर देंगे। बहुत रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन रोक नहीं सकते। जीनी ना जीनी अरवि कर श्री अंग सुंदर, नयन हेराई न पारी, आयत लोचन ईशत बाकी माँ, उपमा नाही का विचारी। वो तो बोल रहे मैं क्या वर्णन करूँ, लॉर्ड्स ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स कैन नॉट बी परसीव्ड, कोई इसको परसीव नहीं कर सकता।
दिव्य शरीर है, दिव्य सुंदरता है। बस भक्त लोग जो महान आचार्य हैं उसको अपने दिव्य ट्रांसेंडेंटल फ्रेम ऑफ हार्ट बोल सकते हैं, दिव्य चेतना में भगवान के दिव्य स्वरूप को वो प्राकट्य फॉर्म में देखते हैं हृदय में, लेकिन उसको शब्दों से कैसे वर्णन करें वो भी परेशान हो जाते हैं। अब कैसे समझाऊं, क्योंकि तो ये शब्द तो भौतिक हैं, तो इसलिए फिर वो उपमा देना का प्रयास करते हैं कि भगवान के जो आंखें हैं वो कमल नयन हैं, है ना, हस्त कमल, चरण कमल, लेकिन कमल के जैसे नहीं है। कमल से तो करोड़ों करोड़ों गुना कोई उपमा नहीं है, लेकिन इस भौतिक संसार में समझाने के लिए जो सबसे अच्छी वस्तु दिख जाती है तो वर्णन कर देते हैं, घनश्याम। कृष्ण घनश्याम नहीं है एग्जैक्टली, घनश्याम से उपमा दिया गया है कि यहाँ पे ये हाई है ऐसा, उस कलर का भगवान का कलर कैसा है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य। तो यहाँ पे वृंदावन में ठाकुर बोल रहे हैं कि कैन नॉट बी परसीव्ड फॉर द आउटशाइन द रेज ऑफ द सन, हिज ब्रॉड आईज विच आर अपटर्न्ड एट द एंड्स हैव नो कंपैरिजन। भगवान की आंखों की सुंदरता, भगवान का मुख मंडल का सुंदरता, उनका शरीर के एक एक अंग का जो गठन है कैसे है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संसार में कोई कितना भी सुंदर मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स तो पृथ्वी में नहीं मिलेगी, मिस यूनिवर्स कौन है, उर्वशी है, लेकिन यहाँ पे उर्वशी का टाइटल लेके घूमते हैं। तो मिस वर्ल्ड हो, मिस इंडिया हो, मिस यूनिवर्स हो, कितना भी कोई सुंदर हो, जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी जो ऐड करने पे सुंदरता बढ़ेगी। हर व्यक्ति में संसार में ऐसा रहेगा, जो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन केवल एकमात्र भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें कोई एडिशन नहीं किया जा सकता उनकी सुंदरता को बढ़ाने के। अब आप समझ सकते हैं। और एक और अद्भुत बात है भगवान की सुंदरता से रिलेटेड, भगवान इतने सुंदर हैं कितने असीमित, अनलिमिटेड, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और अद्भुत बात क्या है, अब वो असीमित सुंदरता और बढ़ती है, पहले से असीमित है, अनलिमिटेड है, और वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो टाइम हो जाएगा तो बताइएगा, विराम कर देंगे, कितना हमें 8:30 हो गए, कब तक करना है, आप हिंट दे दीजिएगा। शक ये तो शायद अभी जो प्रसंग है लगभग आधा घंटा बताया, फिर भी सर सकते, मैं सोचा था आधे घंटे में। आजू विजय गौरांगा अवनि मंडल चौदह के सुनिया उल्लास, एक हरि ध्वनि आ ब्रह्म भरी सुनी गौरांगा चांदेरा प्रकाश। ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ श्री गौरांगा इन दिस वर्ल्ड द साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरिस नेम स्प्रेड थ्रू आउट द यूनिवर्स अप टू ब्रह्मलोका। वापस वही चीज बता रहे हैं, ब्रह्म लोक तक सब ध्वनि चलेगी, ब्रह्मा जी को भी आभास हो गया, आ गए, प्रकट हो गए। चंदन उज्ज्वल वक्ष परिसर डोलाए तथि वन माला, चांद सुशीतला श्रीमुख मंडला आजानु बाहु विशाला। पहले तो बोले कि वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास करता, ताकि कुछ तो आइडिया हो हमको, चिंतन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, नहीं तो फिर वही निराकार निराकार ओम शांति संतुलन वगैरह तो दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ क्या है। लॉर्ड्स ब्रॉड चेस्ट इज स्मियर्ड विद ब्राइट सैंडलवुड पर्पल, उनका विशाल छाती जो है चंदन से लेपित है और डेकोरेटेड, ये भगवान प्रकट हुए ऐसी अवस्था में, ठीक है। तो भगवान जैसे साधारण शिशु जैसे क्या क्या लेपित होके प्रकट होता है, वैसे भगवान ही प्रकट हुए। तो जो मूर्ख लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण सकता कैसे है भगवान हो सकते हैं, उन्होंने जन्म लिया है, राम कैसे भगवान हो सकते हैं जन्म लिया है, उनको बताना चाहिए वो तो साधारण जन्म नहीं है। साधारण बालक जब जन्म लेता है तो रोता है और किससे लथपथ होता है वो सब जानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो ऐसे प्रकट हुए। चंदने उज्ज्वल वक्ष परिसर डोलाए तथि वन माला, माला पहन के भी आए थे, जिसमें माला पहनते, चांद सुशीतल श्रीमुख मंडल, श्रीमुख मंडल जो है द लॉर्ड स्वीट फेस इज एज सूथिंग एज द फुल मून। पूर्णिमा का चांद देखा है, कौन सी, शरद पूर्णिमा देखा है सबने, सबने दर्शन किया ना, शरद पूर्णिमा का ब्राइट मून तो कितना अच्छा लगता है ना, आकर्षक लगता है, ऐसा लगता है कि बस देखते रहे देखते रहे। तो वो जो चांद है भगवान के मुखमंडल के सामने कुछ नहीं, फीका है, भगवान के मुखमंडल की जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो शरद पूर्णिमा के चांद से करोड़ करोड़ गुना ज्यादा है। एक ये भी कारण था इसीलिए गौर पूर्णिमा के दिन चांद सोचा कि मैं अगर प्रकट रहूंगा तो ये जो असली चांद आ रहा है तो उसके सामने मेरी बेज्जती हो जाएगी, तो अपने आप को छुपा देते। कृष्णा। और दूसरा सोचे कि जब असली चांद आ रहा है तो मेरे से डुप्लीकेट का क्या मतलब है, इससे अच्छा बाहर चले जाओ। इस तरह से चांद सुशीतला श्रीमुख मंडल अजानु बाहु विशाला, उनके दोनों हाथ अजानु लंबित भुजाओ,
घुटने तक जाते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। देखी चैतन्य भुवन धन्य धन्य उठाए जय जय नाम। कोई नाचत कोई गायत कलि हैला हरि से विशाल। All the living entities of the world are blessed to see Sri Chaitanya. Some dance, some chant, and some loudly exclaim, Jai Jai. Kali, however, feels sad and laments. सब लोग जय जय ध्वनि कर रहे हैं, सब खुश हैं, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गौर हरी 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 ऐसे गान कर रहा है, लेकिन कौन, कली जो था वो बेचारा उदास बैठा लैमेंट कर रहा। वैसे कली प्रवृत्ति के जो लोग हैं केवल वही जो है भगवान के प्राकट्य में, जो भगवान का प्राकट्य नाम के द्वारा भी होता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम है ते सर्व जगत निस्तार। तो कौन भगवान के नाम में दिव्य प्रेम को प्रकट नहीं समझ सकता है, आवाज नहीं कर सकता है जिनके हृदय में कली का वास है। लेकिन भगवान की अद्भुत शक्ति है, भगवान की अद्भुत कृपा है कि जिनके हृदय में कली का वास भी है, वही नाम को जप करते करते अगर सिंसियरली, क्योंकि हम कली नहीं है, कली हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है, हमारे हृदय को कैप्चर करके रखा है, तो जो भक्त प्रार्थना करते हुए कि भगवान ये हृदय आपका स्थान है, ये कली जो है आके अननेसेसरी क्या कर लिया है, इसको क्या बोलते, किडनैप कर लिया है मुझे, आपके वास स्थान को, आपके रेजिडेंस को चोरी कर लिया है, आप आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्लीज कम, आप आइए आइए और इस कली को जो है नष्ट करिए और आपका जो वास स्थान है आप उसको स्वीकार करिए, मैं तैयार हूँ, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। भक्ति ठाकुर बहुत अच्छा गान करते हैं कि आप आइए मन मेरे मंदिर है, मेरे मन रूपी मंदिर में आइए, मैं आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा आसन में बैठाऊंगा, गोपी चंदन लगाऊंगा, अच्छा गार्डन पहनाऊंगा और हर निशा आपका भजन करूंगा, आप आइए। तो इस प्रकार से कली को छोड़ करके या कली जैसे प्रवृत्ति के लोगों को छोड़ करके बाकी सब बहुत आनंद में। चारि वेद सिर मुकुट चैतन्य पामर मूढ़ नाहीं जाने, श्री चैतन्य चंद्र निताई ठाकुर वृंदावन दास गाने। श्री चैतन्य इज द क्राउन ऑन द हेड ऑफ द फोर वेदास, बट सिंफुल एंड फुलिश पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। श्री वृंदावन दास ठाकुर सिंग्स द ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद प्रभु। कि जो मूर्ख लोग हैं केवल वही इस बात को नहीं समझ सकते हैं, हर प्रकार के प्रमाण को प्रस्तुत करने में भी नहीं जान सकते हैं। चैतन्य चैतन्य कविराज के सामने तो बोलते हैं वो उल्लू है, उल्लू से तुलना करते हैं, जैसे उल्लू होता है ना, आप उसको बोलेंगे आओ मैं तुमको सूर्य दिखाता हूँ, तो सूर्य के सामने ले जाएंगे तो उल्लू क्या करेगा, अपनी आंखें बंद कर ले। तो वैसे ही जो उल्लू प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो उनको भगवान के सामने लेके जाओ, यानी शास्त्र दिखाओ, भगवान के दिव्य कार्यकलाप दिखाओ, भगवान का स्वरूप दिखाओ, तभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, मतलब ज्ञान चक्षु बंद कर लेंगे और फिर अपना ही केवल तर्क वितर्क करते रहेंगे। हालांकि इनके ऊपर भी ऐसे प्रवृत्ति के लोगों पे भी नित्यानंद प्रभु दया करते हैं, इसलिए निताई ठाकुर है श्री चैतन्य चंद्र, उनके कृपा से मिल सकता है। प्रकाश हईला गौर चंद्र दस दिके उठिला आनंदा, श्री गौर चंद्र अपीयर्ड इन 10 डायरेक्शंस, बिकेम फिल्ड विद ब्लिस, चार दसों डायरेक्शन, आठ इधर ऊपर नीचे पूरे त्रिभुवन में। रूप कोटि मदन जिनिया हासे निज कीर्तन सुनिया, जगन महाप्रभु प्रकट हुए और रूप कोटि मदन जिनिया, मदन मतलब कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी जो जिनकी सुंदरता डिफीट कर दे, ऐसे सुंदर रूप धारण करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, हंसे निज कीर्तन सुनिया, और अपना ही नाम का कीर्तन सुन के हंस रहे हैं, आनंद में है। आगे बाल्य लीला में वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपनी ही हरि ध्वनि को सुन करके और डांस करते थे और रोते थे, चुप नहीं होते थे, बालक के रूप में तो रोते थे, तो जैसे कोई बच्चा रोता है तो क्या करते हैं, उसको लेडीज लोग आते हैं, कोई उसको गले लगाएगी, कोई चुम्मा देगी, कोई बाहर लेके जाएगा, कोई खिलौना देगा, कोई खाने को देगा, कोई ऐसे ऐसे हवा में करेगी, तो अलग अलग तरीके से कोई ना कोई बालक फिर शांत हो जाता है, उसको कुछ मिल जाता है एंटरटेनमेंट करने के। लेकिन निमाई बालक ऐसे अद्भुत बालक थे, ये तो हर प्रकार का ट्रीटमेंट कोई काम नहीं किया, केवल रोते ही रहते थे। तो फिर हरी हरी को एक लेडी बोलने लग गई, जैसी हरी हरी सुन एक अपना रोना छोड़ करके बड़ा सुंदर सा स्माइल दी, वो सुंदर स्माइल देख करके समझ गए वाह ये तो हरी हरी सुनने पे स्माइल करता, वाह। तो हरी हरी फिर सब लोग हरी बोल करने लगे तब से।
और लेडीज लोगों ने नाम रख दिया, गौरवंड के थे तो बोले हरी हरी सुनना इसको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए क्या नाम रख दिए, गौर हरी नाम रख दिए। फिर जब थोड़ा बड़े हुए तो वही गौर हरी केवल हरी हरी सुनने बस में आनंदित नहीं होते थे, हरी हरी सुनते थे और डांस भी करते थे अपने ही नाम को सुन करके। अति सुमधुर मुखाखी महाराजा जी न सबा देखी, अति सुमधुर मुख आखी, आंख और मुख अति सुमधुर है। मधुर मतलब बहुत अच्छा, सुमधुर मतलब सुपरलेटिव डिग्री, अब उससे भी ज्यादा है तो बोल रहे अति सुमधुर सुमधुर। अब क्या वर्णन करेंगे, बस हम लोग कुछ जो वृंदावन ठाकुर एक्सपीरियंस कर रहे उसका एक ड्रॉप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये शास्त्रों के वर्णन के परे है। वेद श्रुति जो वैदिक साहित्य है उनका पर्सोनिफाइड फॉर्म, यानी वो श्रुति के रूप में आती है और भगवान का गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं में वो बोलते हैं कि आपका जो दिव्य स्वरूप है, आपका जो दिव्य गुण है, रूप है और लीला है, नाम है, ये हमारे पूरे वैदिक साहित्य में नहीं है, हमको अगोचर है, हम नहीं जानते, तो वैदिक साहित्य भी नहीं जानते। फिर बताते कहाँ मिलता है, आपके भक्त के हृदय में छुपा हुआ है। इस प्रकार से अगर कोई शुद्ध भक्ति मार्ग का आश्रय लेगा तो उसके हृदय में ये सब प्रकट हो सकता है, और विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु आए ही उसी लिए, चैतन्य महाप्रभु हमको हम जानते हैं ना, गोलो के रा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन कैसे दे रहे हैं वो, गोलोक प्रेम धन, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो देने के लिए आए हरिनाम संकीर्तन के। तो जो हरिनाम करेगा ध्यान पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए, तो निश्चित रूप में कालांतर में धीरे धीरे, बाइनरी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, 0 या 1 नहीं होता है, आप जितनी मात्रा में शुद्ध होते जाएंगे, जितना नाम आप ध्यान पूर्वक करते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, उतनी मात्रा में आप भगवान के जो दिव्य रूप है और उनका जो दिव्य नाम है, गुण है, लीलाएं हैं, वो आपके हृदय में प्रकट होंगी। अति सुमधुर मुख आखी महाराजा चिन्ह सब देखी, और महाराज की तरह, चक्रवर्ती सम्राट की तरह सारे जो लक्षण है प्रकट हो रहे हैं उनके शरीर में, महापुरुष। आगे फिर नीलांबर चक्रवर्ती नामकरण करते वक्त देखते हैं इस अद्भुत सुंदर बालक को, तो बोलते हैं अरे इसमें तो 32 के 32 महापुरुष के लक्षण स्पष्ट मात्रा में, सुस्पष्ट मात्रा में, परफेक्ट तरीके से प्रकट मौजूद है, इसलिए वो केवल भगवान में होता है। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर भी महापुरुष के लक्षण होते हैं, वो सारे पाए जाते हैं, तो भगवान के अंदर वो असीमित मात्रा में, परफेक्ट मात्रा में प्रकट होते हैं। श्री चरण ध्वज वज्र शोभे सबांगे जग मन लोभे, श्री चरण में चिन्ह है कौन से, ध्वज वज्र आदि इत्यादि, इससे शोभित है श्री चरण, और सब अंग जग मन लोभे, एक एक अंग पे कोई दर्शन करे उसका मन मोहित हो जाएगा, वहां से आगे बढ़ने का उसको मौका ही नहीं मिले। इसलिए जो भक्त भगवान के रूप का अगर साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं तो उनका मन जो है टलमल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, वो तो बेचारे फंस जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, चरण कमल को देखते हैं तो उधर से आंख हटती नहीं, और फिर सोचते ही रहते हैं कि कब हम और देखेंगे, मुखमंडल देखेंगे। जैसे एक भक्त हुए वेदांत देशिका साउथ इंडिया में, तो वो गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो विधि है भगवान के चरणों से देखना है, तो चरणों के नीचे पादुका रखी थी, तो पादुका को देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, घंटों उसी में निकल गया, और उसी पादुका के गुणगान में 100 श्लोक की रचना कर दी, तब तक ऑल्टर बंद हो गया। अब क्या करें, ब्रज में तो आपको आपने सुना ही होगा, गोपियां देख रही हैं और ब्रह्मा जी को मूर्ख बोल रहे हैं, क्यों, कि ये ब्रह्मा कुछ जानता नहीं है बनाना, 2 ही आंखें बनाया, चलो बाकी लोग को 2 आंखें बनाओ, लेकिन जब उसको पता है कि कृष्ण के यहाँ हमको जन्म मिल रहा है, कृष्ण का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो हमको तो करोड़ों आंख देना चाहिए ना, इंद्र को करोड़ों आंख देने का क्या फायदा, हमको देना चाहिए ना करोड़ों आंख, तो एक तो 2 आंख दिया, बुद्धि नहीं है, और दूसरा इन 2 आंखों में भी पलके डाल दिया है, अच्छा तो वो कोसते हैं वो उनको कि ऐसे, क्योंकि सब अंग जग मन लोभे, दूरे गे ल सकल अपद व्यक्त है ल सकल संपद, ही जेड बैंड बाय जेड बैंड ऑल डेंजर्स वैनक्विश्ड एंड ऑल प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्टेड, सारे जितने भी डेंजर्स हैं सब नष्ट हो गए,
श्री चैतन्य नित्यानंद जान वृंदावन दास गुणगान। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जान है। लोग किसी और को अपना जान मानते, बोलते जान जानो। लेकिन भगवान के भक्त के जान कौन है? वृंदावन ठाकुर बोले श्री चैतन्य नित्यानंद जान वृंदावन दास गुणगान। तो वृंदावन दास ठाकुर ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को गुणगान करते हैं जो उनके लाइफ में सोल है। चैतन्य अवतार सुनिय देवगान उठिला परम मंगल रे, सकल ताप हर श्रीमुख चंद्र देखी आनंद हैला विवल रे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अवतार देख करके, इसको सुन करके देवगण सब परम उठ गए और आ गए और उनके सारे ताप हर गए। श्री मुख चंद्र देखी आनंद हैला विवल, सबके सब विवल हो गए। अनंत ब्रह्मा शिवा आदि करी यत देवा सबाई नर रूप धरी रे, गाये न हरि हरि ग्रहण छल करी लखी ते के हा नाही पारी रे। बोल रहे हैं कि अनंत शेष ब्रह्मा जी, भगवान शिव और अन्य जितने भी देवी देवता हैं सब मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हो गए, आ गए और हरि हरि बोल रहे हैं। अंदर प्रिटेक्स्ट ऑफ एक्लिप्स हरि हरि बोल रहे हैं। नो वन हाई एवर कैन रिकॉग्नाइज देम, कोई इनको पहचान नहीं पा रहा है। और ऐसी अद्भुत घटना हुई थी वो भी बता देते हैं। जगन्नाथ मिश्रा का जब फेस्टिवल होता है अगले दिन, जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल करते हैं, आमंत्रण देते हैं, तो वो सोचे होंगे आएंगे कुछ 100 150 500 1000, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी प्रोग्राम में। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग के हिसाब से हम सोचते हैं चलो 1500 का प्रसाद बना लेते हैं। फिर आते हैं 2500 3000 लोग आ जाते हैं। जैसे हमने अभी एक यूथ फेस्टिवल किया था, मेगा यूथ फेस्टिवल, अनुप लीला को बुलाया था, तो रजिस्ट्रेशन हमने किया था पहले, तो 2500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो हम सोचे कि 2500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन हर कोई आता नहीं है, तो एक्सपेक्ट किया 1500 तक आएंगे लगभग। फिर हमने 500 और बढ़ा दिया, ठीक है 2000 के आसपास प्रसाद बना देते हैं। उस दिन 4500 यूथ आ गए, हमको गेट बंद करना पड़ा, अभी फुल हो गया है, अभी नो एंट्री। एक अद्भुत, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा जब जगन्नाथ फेस्टिवल कर रहे हैं तो आ रहे हैं लोग निमाई बालक का दर्शन करने के लिए, तो आते हैं गिफ्ट देते हैं और जाते हैं। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग आते हैं गिफ्ट देते हैं, जगन्नाथ मिश्रा वही गिफ्ट उठा के और दूसरे को भी देते हैं ऐसे करके, क्योंकि गिफ्ट तो रिसीव करते करते ऐसी स्थिति हो गई, पूरा घर भर गया, आंगन भर गया और बाहर भी ढेर लग रहा है, तब क्या करेंगे वो। जो लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए उन्हीं को एक एक करके देते जा रहे हैं, लो भाई अब लो महाप्रसाद निकल के। और उनको समझ, सबके सब आश्चर्यचकित हैं कि इतने सारे लोग नवद्वीप में आए कहाँ से, कोई गिनती ही नहीं है। लेक के बाद एक के बाद जैसे बालाजी मंदिर में जो है दर्शन की भीड़ लगी रहती है, निकलते ही जाते हैं निकलते ही जाते हैं लोग। जन्माष्टमी में आप जाइए हमारे इस्कॉन मंदिर में, किसी भी इस्कॉन मंदिर में, आपको समझ भी नहीं आएगा इतने सारे लोग हैं कि कहाँ रहते हैं ये लोग, जन्माष्टमी के दिन ही बाहर क्यों निकलते हैं। तो ऐसे अद्भुत तरीके से दस दिखे धाय लोक नदियाए बलि औच हरि हरि रे, मनुष्य देवे मिली एकत्र हैं अकेली आनंद नवदीप पूरी रे। तो 10 तारे 10ों डायरेक्शन में केवल लोग ही लोग दिख रहे हैं पूरे नदिया में, और सब लोग हरी 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 बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और एक और विशेष बात हो गया, मनुष्य देवे मिली, देवता और मनुष्य एक साथ मिल करके, जनरली देवता लोग मनुष्य से नहीं मिलते, वो आते भी हैं तो धरती में पैर भी नहीं रखते, हमारे यहाँ नजदीक भी नहीं आना पसंद करते हैं। स्वर्ग यहाँ पे जैसे किसी को जब बोलते हैं गाली देना होता है, बोलते हैं कुत्ता कहीं का, बदमाश, सुअर, ऐसे गाली देते हैं ना, बड़ा बेकार लगता है। स्वर्ग में जब गाली देते हैं तो क्या बोलते हैं, मनुष्य कहीं का। लेकिन वो देवता लोग भी प्रकट हो गए और मनुष्य रूप धारण करके, क्योंकि उनको मालूम है देवता रूप में हम जा नहीं सकते हैं, एंट्री नहीं मिलेगा, तो मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के साथ मिलकर के हरि संकीर्तन कर रहे बड़े आनंद में। ये प्रभाव हो गया, आनंद नवदीप पूरी रे, नवदीप पूरी क्या बन गया, आनंद का सागर बन गया। सचिर अंगन सकल देवगण प्रणाम हरि जप पडिला रे, ग्रहण अंधकारे लखिते के हनारे दुर्गे चैतन्य रखेला रे। ऑल द डेमिगॉड्स केम टू द कोर्टयार्ड ऑफ सची देवी एंड ऑफर देयर ओबेसेंस ड्यू टू द डार्कनेस ऑफ द एक्लिप्स, नो वन कैन रिकॉग्नाइज देम, सच आर द मिस्टीरियस पास्ट ऑफ चैतन्य। तो ग्रहण लगा हुआ था तो कोई इतना नहीं समझ पा रहा था कि ये मनुष्य भी कहाँ से आ गया नवद्वीप में।
बस ये सोच रहे थे कुछ तो अद्भुत हो रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं। केहा पढ़े स्तुति कहा रो हाथे चाटी, केहा चामर ढुलाए रे परम हरि से, केहा पुष्प वरि से, केहा नाचे गाए वाए रे। तो कोई जिसको जो स्थिति में जैसा जगह मिला, जैसा पोजीशन मिला, वो अपना अपना कार्य कर रहा है। कोई सम्मुख पहुंच गया तो ले धना धन स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जैसे जब जन्माष्टमी होता है, अब भक्त लोग आते हैं, दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल रहता है, किसी तरह से आ गए भगवान के सामने, तुरंत हाथ जोड़ करके अपने हृदय की सारी प्रार्थना अर्पण कर देते हैं। फटाफट फटाफट कब निकाल देंगे यहाँ से। तो जो सामने आ गया वो स्तुति करना चालू कर दिया। और कुछ लोग कहीं नहीं मिला जगह तो वहीं पे नाच गा रहे हैं, ठीक है भाई आगे नहीं मिला तो कम से कम इधर ही खड़े होने को मिल गया, यहीं पे डांस करो नृत्य करो गाओ, वो भी खुश हैं। और कोई दूर से ही पुष्प बारिश कर रहे हैं, और किसी को सामने मिल गया तो अम्ब्रेला लेके खड़े हो गए भगवान के सामने, और कुछ चामर धुला रहे हैं। जब शोभा यात्रा निकलता है मंदिरों में तो सब लोग दौड़ते हैं पालकी की तरफ, तो हर किसी को तो मौका नहीं मिलेगा, किसी के हाथ में चामर लग गया तो वो तो बस पूरा खिलाता ही रहता है, फिर देने को नाम नहीं लेता है, बड़ा आनंद में आ जाता है। नहीं मिलता है जिसको तो ठीक है भाई, चलो पीछे पीछे ही कीर्तन करो, अच्छी बात है। जिसको जो मौका मिल गया उस हिसाब से वो सेलिब्रेट कर रहा है, इसको बोलते हैं महोत्सव। ये केवल भक्त के परिवार में हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। बाहर तो होड़ा होड़ी रहती है कि हमको ये चाहिए, पोजिशन चाहिए, हमको ये करना है, हमको ये मिलना चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए। भक्त के समाज में ठीक है भाई, अल्टर में प्रवेश नहीं मिला नो प्रॉब्लम, इधर भी कीर्तन करेंगे, इतना अच्छा आनंद है, भगवान तो सुन रहे हैं, मिल गया तो अच्छी बात है, जाके अभिषेक करेंगे। आप लोग का सौभाग्य है कि आप सबको यहाँ पे अभिषेक करने का मौका मिल गया, मंदिर में नहीं मिलेंगे। मंदिर में तो सब भक्त को भी नहीं मिलेगा, ब्राह्मण दीक्षित भक्त को ही मिलता है। हमारे जू मंदिर में तो लिस्ट लगा देते हैं, क्योंकि इतना भीड़ हो जाता है ब्राह्मण दीक्षित लोगों का भी, अगर सबको देंगे तो इतना भीड़ हो जाएगा अभिषेक हो नहीं पाएगा। तो लिस्ट बना देते हैं कि जो टेम्पल सीनियर डिवोटी है उनको, और फिर उसके बाद जो ड्यूटी में आते हैं रेगुलर सेवा करते हैं उनको देना, ऐसे करते। लेकिन भगवान की कृपा सबके लिए। सब भक्त संगे करी आइला गौर हरी, पाषंडी की छोई न जाने रे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वृंदावन दास रस गान रे। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, अपने भक्तों के साथ प्रकट हो गए, और जितने भी जो नास्तिक लोग थे उनके तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्यूज हो गया, वो समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके वो तो पूरी तरह से बोलते हैं ना हिंदी में बौखला गए, तो बौखला गए। और भक्त लोग जो है दिव्य आनंद में उन्माद में, धुंधु बेटी मंगल जय ध्वनि गाय मधुर रसाल रे, बेदेरा अगोचर आजि भेटवा विलंब नाही आर काल रे। द डेमी गॉड्स प्ले केटल ड्रम एंड डिंडिमा ड्रम्स, ये कौन सा पता नहीं वही जानते होंगे, चैंट द ऑस्पिशियस साउंड जय जय एंड सिंग इन स्वीट मेलोडीज। The demigods think today we will see the Lord who is unknown through the Vedas. Therefore, let us not waste time. सब देवता लोग भी, उनको दर्शन नहीं मिलता देवता लोगों को। शिरोदक्षाय विष्णु का भी दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ। वो शिरोदक्षाय विष्णु सीख सागर में तो चले जाते हैं, सागर में जाके बस प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, पुरुष सूक्त करते हैं। और ब्रह्मा जी को कभी कभी दर्शन मिल जाता है, और कभी कभी उनको भी नहीं मिलता है। भगवान बोलते हैं नो दर्शन, केवल व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन डाल देता है, अपना ऑडियो छोड़ देंगे, ब्रह्मा जी के पास आ जाएगा, तो ब्रह्मा जी सुनते हैं मेडिटेशन में जाकर के, फिर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, हाँ भगवान ने प्रार्थना सुन ली हम सबकी, भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं, आप सब अपने अपने कार्य में लग जाओ, भगवान के आने का स्वागत करो। लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवता लोग सोचते हैं बहुत अच्छा मौका है, चलो चलो भागो, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है, भगवान का दर्शन करो, प्रार्थना करो, जितना लाभ उठाना है उठा लो। भगवान केवल कुछ दिन के लिए आए हैं, उनके लिए तो कुछ दिन ही होगा ना, चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स तक थे, यानी देवताओं के लिए 48 दिन, ब्रह्मा जी के लिए तो 1 सेकंड भी नहीं। तो अगर मान लो कहीं मीटिंग में फंसे हुए हैं तो उनका तो वो अवसर भी चला जाएगा। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से देवता लोग बड़े तत्पर होकर के आ गए। आनंद इंद्रपुर मंगल कोलाहल, साज साज बलि साज रे, बहुत पुण्य भाग्य चैतन्य प्रकाश पाओ नवदीप माझे रे। इन दिस वे द रेजिडेंट्स ऑफ अमरावती आर इन एक्सटेसी। अमरावती में कौन रहता है? इंद्रदेव। वहाँ के इंद्रदेव और उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं सब एक्सटेसी में, उन्माद में। एंड एन ऑस्पिशियस कमोशन राइजेस एज दे डेकोरेट देमसेल्फ टू गो सी द लॉर्ड।
ड्यू टू आवर ग्रेट फॉर्चून वी विल सी श्री चैतन्य एंड भगवती। तो सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करें। अन्य वन्य आलिंगन चुंबन घन घन लाजक हा नहीं माने रे, नदिया पुरंदर जन्म उल्लासे आपन पर नहीं जाने रे। ये तो एक अद्भुत ही चीज होगी। हाँ, लोग इतने उन्माद में है, दिव्य उन्माद में है कि समझ में नहीं आ रहा किसको आलिंगन करना है नहीं करना है, किसको चुंबन देना है नहीं देना है, और कोई किसी का बुरा नहीं मान रहा है, सब जानते, सब बड़े उन्माद में है, दिव्य चेतना में। तो नदिया पुरंदर जन्म उल्लास से आपन पर नहीं जाने रहे, तो समझ नहीं पा रहे कौन अपना है कौन पराया है। यानी मान लीजिए किसी के बीच में बड़ी शत्रुता रही होगी, तो पहले तो शत्रुता थी जानते थे, अब दोनों शत्रु और मित्र सब आ गए, सब एक दूसरे को आलिंगन दे रहे हैं। जैसे देवता लोग आए हैं तो ऐसे असुरों में भी कई लोग आए होंगे, क्योंकि हर असुर जो है भगवान के द्वेषी नहीं होते, जैसे प्रहलाद महाराज के जो वंशज हैं, तो अगर असुर भी उसमें से आए होंगे देवता भी आए होंगे तो बहुत कट्टर शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पे आके अपना पराया नहीं जानते, एक दूसरे को आलिंगन दे रहे हैं चुंबन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई। ये इससे हमको एक शिक्षा मिलती है कि अगर हम वास्तविक रूप में शांति उत्पन्न करना चाहते हैं, वास्तविक रूप में जो सदाचार भावना है बोलते हैं, सदाचार भावना, मित्रता का भावना, बंधुत्व का भावना लाना चाहते हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है क्या, जब भगवान को केंद्र में लाएंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो सब जो है ये सब नष्ट हो जाएगा। आई छन कौतु के आई लवद्वीपे चौदी के सुनि हरि नाम रे, पाई गौर रस विह्वल परवस चैतन्य जय जय गान रे। In this joyous condition, they came to Navadvip and hear the sound vibration of Hari's names from all sides. There they taste Gaura's ecstatic emotions and became overwhelmed as they sing his glories. इस प्रकार से भगवान के दिव्य गुणगान करके सब दिव्य अवस्था में पहुंच गए। देखी ल सचि ग्रहे कौरांग सुंदरे कत्रये छे कोटि चांदरे, मानुष रूप धरि ग्रहण छल करी बोलाए उच्च हरि नाम रे। तो सची माता का जो घर है वो क्या बन गया, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का संग्रह स्थान बन गया। मीन्स देयर इन सचीज हाउस दे सी द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड गौरांगा हु रिजेंबल्स मिलियंस ऑफ मून्स कंबाइंड टुगेदर इन द गाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द एक्लिप्स दे ऑल लाउडली चैंट द नेम ऑफ हरि। तो सारे देवी देवता लोग इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं कि सची माता का जो घर है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का आश्रय स्थान बन चुका है। सकल शक्ति संग आइल गौर चंद्र पाषंडी की छुई न जाने रे, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु चांद। आगे बोलिए, वृंदावन दास रस गान रे। इस प्रकार से हर प्रकार की शक्ति ऐश्वर्य को साथ में लेकर के गौर चंद्र भगवान प्रकट हो गए, और पाषंडी लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार इसे वृंदावन दास अपूर्व मंडन कर रहे हैं, जो पाषंडी है नास्तिक है मूर्ख है, तो वो लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इस तरह से तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का कुछ बड़े ही सार रूप में श्री रविंद्रनाथ दास ठाकुर ने वर्णन किया है। इसका वास्तविक स्वरूप उस समय कैसी अवस्था थी इसको कोई भी नहीं समझ सकता है, मतलब उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता है, वृंदावन दास ठाकुर बस कुछ थोड़ा सा अब शब्दों में वर्णन किए, क्योंकि वृंदावन ठाकुर को बड़ा भय था कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी ऑथर हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, माँ भगवान की जब लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो उनको हृदय में हमेशा भय रहता था कि ग्रंथ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो फिर लोगों का एक आदत है, नहीं 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 बहुत मोटा है हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो वो लोग पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए वो बहुत संकोच कर करके ना चाहते हुए बिल्कुल शॉर्ट कर करके ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि कम से कम हम वर्णन कर दें ताकि कम से कम लोग पढ़ें तो सही, इसलिए कविराज गोस्वामी कई जगह इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।